तो चलो चलते हैं सौरव जोशी से मिलने। चलो चलो गुड मॉर्निंग गाइज, सत श्री अकाल, किस तरह हो तुसी, चंगे हो? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज है 1 जनवरी और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का 2022 बहुत ही अच्छा जाए, आपने गोल को अचीव कर लो। आज के दिन सब घूमने गए हैं, जो भी मेरे पुराने दोस्त सब है सब घूमने गए हैं, तो अभी तक मेरा कोई प्लानिंग नहीं बना घूमने का, बट मन है घूमने का, तो देखते हैं क्या प्लानिंग हो सकता है। फिलहाल अभी आधे घंटे मैं पहले सो के उठा हूँ और अभी मैं अपना मील लूँगा और उसके बाद प्लानिंग करते हैं क्या हो सकता है। सो वीडियो में बने रहिए तब तक के लिए। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और इन्होंने तुरंत प्रोग्राम किया कि हम लोग घूमने के लिए, तो मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया, तो मैं अभी जस्ट निकला हूँ और हम लोग इतने लोग आ रहे हैं गाड़ी में और हम लोग निकलेंगे बाय रोड, कार से जा रहे हैं हम लोग और ये भी जा रहा है। ये तो ऐसे वीडियो जैसे शादी में ऐसा लगे। तो शहर में भी हम लोग ज़्यादातर घूमते थे मंदिर वगैरह, और आज आए हैं हाईवे तो इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जैसे लग रहा मेला लगा हुआ है काली मंदिर के पास। हाईवे कई बार आए हैं बट ये फर्स्ट टाइम है कि 1 जनवरी को हम लोग आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एक स्टॉपेज लिए हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए और वो देखिए दूर दिख रहा है आपको, वो लोग फोटोशूट करवा रहे हैं वहाँ पे, लोग जहाँ जगह मिलते हैं वहाँ फोटोशूट कराना स्टार्ट कर जाता है। अरे ये है हमारे जाने वाले थे पूरी लेकिन जा रहे हैं दसम फॉल। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरी। अभिषेक का दोस्त जाने सब चला गया पूरी, तो बेचारा पूरा नर्वस हो गया, पूरा सोचने लगा कि हम नहीं जा पाए, तो उसने मुझे बोला कि भैया मुझे भी पूरी जाना है, तो मैंने बोला कि भाई पूरी तो नहीं जाना है बट हम लोग चल रहे हैं दसम फॉल। सो हम लोग दसम फॉल के लिए फाइनली निकल चुके हैं और हम लोग पहुंचने वाले, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है दूरी, और इसने हमने जिम से उठा लिया और ये हमारा मैच्योर बॉय। इसने ये जिम में था, ट्रेनिंग दिया था बट मैंने बोला ट्रेनिंग का बाद में देना भाई, चल पहले घूम के आता हूँ। और ये सबसे ज्यादा लेट ये कि 1:30 बजा दिया, हम मैंने बोला था 12 बजे तक आना, ये 1:30 बजा दिया, जो 11 बजे घर में था आज वो 1:30 बजा दिया, मतलब काफी ज्यादा लेट कर दिया, जिस वजह से हम लोग लेट हो गए, वरना हम लोग लमसम 12 बजे ही घर से निकल जाते। रांची में 100 बार से भी ज्यादा आ चुका हूँ बट आज तक कभी भी दसम फॉल मैंने विजिट नहीं किया है, वहां से हमेशा पार होता हूँ बट हमेशा मन में लगता था कि मैं कभी जाऊंगा घूमने, बट आज फाइनली मैं जो जा रहा हूँ विजिट करने के लिए और जाऊंगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं घूमने के लिए और हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर हुआ मौका मिला तो हम लोग एक बार झरने में नहाएंगे जरूर, क्योंकि क्योंकि आज न्यू ईयर और हम नहाए नहीं है, तो नहाना तो बनता है आज, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बचपन में मैं बहुत सुने हैं कि न्यू ईयर के दिन नहीं नहाया तो पूरा साल ही नहाते हैं, तो इस चीज को सच नहीं होने देना और हमें नहाना है। सबसे पीछे देखिए कोना में बैठा हुआ है बच्चा, ये बोलता है मुझे भी जाना घूमने, तो ये भी मैंने इसे भी लोड कर लिया और दसम फॉल घुसने वाले हैं। यही है एंट्री दसम फॉल का, अक्सर मैं पार होता हूँ यहाँ से। हिरनी फॉल है जो वो 73 किलोमीटर है और यहाँ से दसम फॉल 10 किलोमीटर। बस के चक्कर में पूरा जाम हो चुका है और गाड़ी बहुत सारी पर लंबे लंबे लाइन में लगी हुई है दूर तक, तो ये बस निकलेगा उसके बाद फिर हम लोग बस से हम लोग ले जाएंगे दसम फॉल, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ रोके हम लोग फिर घुसेंगे। चक्कर में इतना जाम लगा हुआ पूरा, सब पीछे ही पड़े थे इसके गाड़ी के, सब जा रहे हैं अभी, जैसे बस निकला सारी गाड़ी पीछे लगी हुई है। बहुत ही ज्यादा कच्चा रास्ता है दसम फॉल जाने का, मुझे तो लगा था कि रास्ता अच्छा होगा बट ये तो रास्ता इतना बर्बाद है कि हर जगह जाम लग जा रहा है, गाड़ी फंस जा रहा है, तो गाड़ी एक साथ निकल भी नहीं पा रहा है, कहीं कहीं ऐसा पतला रास्ता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। सरकार का रोड बनाना चाहिए यहाँ का। विपिन तुम्हारा क्या यहाँ इसमें राय है, रोड बनना चाहिए या नहीं? अब क्या ही बोले,
तो बस सोना है। जिम में आता तो पता ठीक करता है, लेकिन यहाँ आया तो सोना है इसको। हालांकि जितना आराम मिलता है ना पता उतना आराम करता है, दोबारा आराम नहीं देंगे इसको। जिम में कुछ और रहता है ना इसलिए आराम करता है। अच्छा अच्छा हम समझ गए, लगा जाता है इसलिए आराम नहीं। इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, ऐसा लग रहा है हम लोग बराती जा रहे हैं किसी का। सबसे आगे सुमो है जिसमें पर माल लोड है, और पीछे पीछे दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हा बैठा हुआ पीछे। हमने गाड़ी पार्क कर दिया और हम जा रहे हैं दसम फॉल की तरफ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत सारी लगी हुई तो जाम हो जाएगा, इसलिए हमने गाड़ी पहले पार्क कर दिया। और हम पैदल जा रहे हैं, मजा आ रहा है चल के, बहुत गाड़ी करने का अवसर मिल गया हमें। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाना रास्ता है और यहाँ भी जाम, हर जगह गाड़ी का जाम है। आज फर्स्ट जनवरी है तो सब के सब घूमने निकल पड़े। मैं नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो भी पतला शायद, हम उसी से आदमी जा रहे हैं और आ रहे हैं दोनों। लगता है ये नया रास्ता ही बना है क्योंकि सारा लकड़ी है, ताज़ा लग रहा है, कटा कटा है, पुल हिल रहा है। इतना छोटा रास्ता है बट पुल हिल रहा है पूरा। आ जाओ, चलो जीन पहन गया ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, हम तो चांदी का कुछ है ये ब्रिज भाई, बहुत खतरनाक ब्रिज है, बहुत हिलता है ब्रिज, बहुत हिलता भाई ये ब्रिज। फोटो शूट के लिए हम बाल जा रहे हैं। एक बॉडी बिल्डर का काम देखिए, हम लोग इधर ऊपर घूमने चले गए और ये नीचे बैठ के खप के खा रहा है खाना। क्या खा रहा भाई? आयो भाई साहब, चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है और हर जगह से झरना बह रही है, छोटा छोटा झरना। और वहाँ देखिए बंदर आपको दिख रहा है। मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ वेट किया हूँ, जमशेदपुर में मतलब झारखंड में रह के भी मैं फर्स्ट टाइम वेट क्यों किया हूँ, तो आप भी यहाँ पे वेट करो। बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी एडवेंचरस लाइफ में आया हूँ क्योंकि हर चट्टान को पार करना पड़ रहा है उछल कूद के।
जाओ उतरो। और ये छोटा हाथी पानी में उतरते हुए पानी कितना ठंडा बताना। हम आए थे दसम बॉल घूमने और बट मन में पहले से था यहाँ आके नहाना है, तो हमें जगह मिला और बहुत ही अच्छा लोकेशन मिला, हम वहाँ नहा लिए। ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, असल में माइनस टेम्परेचर में है, बहुत ज़्यादा कनकनी टाइप का लग रहा है। सो अब हम नहा के अब निकल रहे हैं, अब घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है और हमने आज अपना मील लिया नहीं है ढंग से। तो जिम तो जाने के सोचे थे बट अभी पता नहीं क्या होगा, घर जाते हैं फिर डिसाइड करेंगे जिम जाना है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद लमसम हम लोग 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल लिए हैं और अब तब जाके हम लोग को अब गाड़ी मिलने वाला है क्योंकि पार्किंग हम लोग बहुत पीछे किए थे ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो गाड़ी लगाने में और गाड़ी निकालने में। तो हम लोग पैदल अभी चल के जा रहे वापस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि खाए कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग जा रहे भाग के जाएंगे, अब लोग गाड़ी पकड़ना है, चले चलो। सो हम बस घर पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट का डिस्टेंस है घर पहुंचने में। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा दसम फॉल का, फर्स्ट टाइम वेट किए तो वहाँ का जो वाइब था वो अलग ही था, पहाड़ और झरना, ऐसा लग रहा था मैं नेपाल पहुंच गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप वेट करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब हम बस घर पहुंचने वाले हैं, हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग चल रही है और उछल कूद हो गया, सबके सब रेस्ट कर रहे हैं, सब सोए हुए कुछ लोग क्योंकि बहुत देर बाद घूमने का मौका मिला तो सब हरासमेंट से थक चुके हैं, सब सोए हुए हैं। हम बस घर पहुँचने वाले हैं और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, वन सेकेंड हैप्पी न्यू ईयर। तो बंदर आ रहा। चलो जाओ तुम लोग घर, ठीक है, शुक्रिया साथ देने के लिए। चलो अरे बैठो ना।